भाजपा नेताओं के साथ राजभवन में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर को किया सरकार बनाने का दावा पेश। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि अब की बार गठबंधन सरकार राज्य में मुफ्ती मोहम्मद सईद की शांति और विकास को बढ़ाएगी आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सांप्रदायिक राजनीति की निंदा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से राशन के तौर पर मिल रहे गेहूं पर किया जोरदार प्रदर्शन। आतंकियों ने अनंतनाग में दागा ग्रेनेड, 5 नागरिक घायल। और डोडा में खराब मौसम के कारण सभी स्कूल आज रहे बंद।